अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ दुर्खाना एहसान। आप लाइव ट्रांसमिशन देख रहे हैं बहरिया यूनिवर्सिटी स्टूडियो से। आज हमारे लिए बहुत एक बड़ा दिन है, प्राउड डे है, एंड वी आर ऑल वेरी हैप्पी एंड डिलाइटेड बिकॉज रेक्टर बहरिया यूनिवर्सिटी रियर एडमिरल रिटायर्ड तनवीर फैज साहब हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री, उन्होंने ऑफिशियल और फॉर्मल जो है इनॉग्रेट किया है बहरिया यूनिवर्सिटी टीवी को और मीडिया हाउस बहरिया यूनिवर्सिटी को। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम आपको उनके व्यूज़ भी पहुंचाएं और दिखाएं कि वो किस तरह फील कर रहे हैं इस डे पे। वी हैव विद अस रेक्टर बहरिया यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग अस योर टाइम। मुझे बताएं सबसे पहले कि हाउ डू यू फील कि जो एक ड्रीम था इट हैज़ फाइनली एक रियलिटी में वो चेंज हो गया, कैसा आप फील कर रहे हैं, हाउ डू यू फील? I think it's a big day for Bahria University and for the Media Sciences Department. We have achieved a very big milestone today, and I have been told that Bahria University is the first university to have this web TV. It's a big day. I am very pleased, very encouraged, very confident. But while I was going through the walking around the equipment which was installed to make this thing happen, so I recall that aaj se koi about 30-35 years back when we were students, 40 years back when we were students, so there was just one Pakistan television and everything was good in Pakistan, peace, aman, no problems. But now I think we have over maybe over 100, I am not sure, but over 100 media channels, and a free and very vibrant, very dynamic media in Pakistan. And I feel very confident that with this web TV in place, our students will have a chance for the hands-on training before they go to the industry, and the students which graduate from Bahria University will certainly perform super once they join the industry, media or anywhere else. So I am really very happy, very pleased to inaugurate this TV today. बहरिया यूनिवर्सिटी जो है फर्स्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान का जिसका वेब टीवी है और जो 24 आवर्स जो है लाइव आपको ट्रांसमिशन दिखाएगा, स्टूडेंट्स काम करेंगे बिहाइंड द कैमरा। सर मुझे बताएं क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े, बिकॉज एक बहुत मुश्किल होता है एक यूनिवर्सिटी के लिए, इतने रिसोर्सेज नहीं होते, क्या आपको चैलेंजेस और मुश्किल पेश आई? कोई चैलेंजेस नहीं, बिकॉज आई थिंक वी हैव वन ऑफ द बेस्ट टीम्स हेडेड बाय डॉक्टर जुबैर, एंड हमारे जो मीडिया डायरेक्टर हैं वहीद साहब, आई थिंक दे एंड देयर टीम दे हैव वर्क्ड ओवर टाइम टू मेक दिस थिंग हैपन। सो इफ यू आस्क मी, देर वर नो चैलेंजेस, सिंपली वी डिसाइडेड दैट वी नीड टू हैव दिस वेब टीवी एंड हियर इट इज, बिकॉज इफ यू आर कमिटेड टू डू समथिंग तो इट हैपन्स। तो कोई चैलेंजेस नहीं थे इसको एस्टैब्लिश करने में, चैलेंजेस मुझे अभी नजर आ रहे हैं इसको चलाने में। एस्टैब्लिश करने में देर वर नो इश्यूज एट ऑल, नो चैलेंजेस, बट अभी मुझे नजर आ रहे हैं। दैट्स व्हाई आई वाज टॉकिंग टू द स्टूडेंट्स आल्सो एंड द फैकल्टी आल्सो दैट वी नीड टू स्टार्ट द चैनल ऑन अ वेरी वेरी साउंड फुटिंग, ताकि हमारा जो एज हमने लिया है अदर यूनिवर्सिटीज के ऊपर, ये एज को, इस लीड को हम मेंटेन कर सकें। चैलेंजेस अभी हमारे शुरू होंगे जी। मुझे बताएं सर कि ऑब्वियसली एक नेशनल यूनिवर्सिटी के आप हेड हैं, उसको आप हेड कर रहे हैं, आप क्या उसको फिर आपने एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी लेकर आना है, उसको मार्केट में आपने उसको इंट्रोड्यूस कराना है, इंटरनेशनली भी आपने उसको जो है वो प्रमोट करना है, तो आप किस तरह बहरिया यूनिवर्सिटी को देखेंगे कि वो किस तरह अपनी प्रोमिनेंस बरकरार रखेगा या अराउंड द ग्लोब जितनी यूनिवर्सिटीज़ उनका कैसे कम्पीट करेगा? मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाऊंगा। जब बहरिया यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई 2000 में, एंड उस वक्त विद ओनली टू प्रोग्राम्स, कंप्यूटर साइंस एंड बीबीए जो था, एंड विद 750 स्टूडेंट्स ओनली, एंड इन आई थिंक अराउंड 16 इयर्स माशाल्लाह वी हैव अराउंड 15,000 स्टूडेंट्स। वी आर वन ऑफ द लार्ज यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान, अ कॉम्प्रिहेंसिव यूनिवर्सिटी, कैपिटल में भी आप लोग जी, अ कॉम्प्रिहेंसिव यूनिवर्सिटी with campuses in Islamabad, in Karachi and in Lahore, two big cities ji, in Lahore, jo basically these three cities are the main hub of education keh le aap, aur the programs which are being offered in Bahria University, they are all the university programs, all the faculties including the health sciences also, including the maritime studies also. So I think we are doing well as far as the national
is level is concerned. But no, yes, I have asked the deans that we should start our accreditation towards the international programs also. So that will automatically raise our stature at national level also, and certainly join the international clubs and also. So BUTV jo hai wo specifically puri university ke bachcho ke liye ke wo jis field mein bhi wo prominence rakhte hain, jis field mein bhi wo kaam karna chahte hain, chahe production hai, anchoring hai, to wo kar sakte hain. So it is not bound to only media studies. Tamam uske liye mujhe bataye sir ke Pakistan mein jo middle schools hain ya jo lower secondary education jo hai, higher education ke upar itna jo hai wo tawajjo nahi di jati, uske liye reforms nahi kiye jate, aur isiliye Pakistan mein universities comparatively bahut kam hai. To aap kya samajhte hai ki how important it is ki hum higher education ko importance dein aur universities banaye, aur phir unko is tarah se banaye ki bachcho ko hum opportunities dein university ke andar ki wo ja ke professional jab career achieve kare ya usme jaye to wo professionals ki tarah kaam kar sakte hain. पाकिस्तान में इसी इस वक्त देर आर अराउंड 178 यूनिवर्सिटीज़, और मेरे ख्याल में हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, दिस अ गुड नंबर 178. जो प्रॉब्लम यहाँ पे है इम्पोर्टेंस ऑफ हायर एजुकेशन, हमारे जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, दे अनफॉर्चुनेटली दे डू नॉट रियलाइज what higher education can do to this country, yes. What higher education can do to this economy, what higher education can do to the community, ye unki realization nahi hai, aur uski wajah ye hai ki 99% of them they have never been to the universities. Aur jis din unko ye realization ho jayega, ye hamara system behtar ho jayega. Lekin to make reforms in higher education, aapko pura jo education जो डिपार्टमेंट्स हैं या एजुकेशन सेक्टर है, उसको रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है. रीज़न बीइंग कि जो हायर एजुकेशन की नर्सरी है वो स्कूल और कॉलेजेस हैं. जब तक आप उनको रिफॉर्म नहीं करेंगे, आपकी इनटेक क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी. इनटेक क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो जाहिर है आप यू विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस बेस्ट ग्रेजुएट्स आजकल जैसे इंटरनेशनल इन्वायरमेंट्स हैं. सो वी नीड टू रीस्ट्रक्चर द कम्प्लीट एजुकेशन सेक्टर. लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि जब से HEC बनी है 2002 में, आई थिंक दे हैव डन अ गुड जॉब, लेकिन स्टिल देर इज़ लॉट ऑफ गैप. व्हेन आई से गैप, इट मीन्स दैट दे नीड टू फॉर्मुलेट रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड असर्ट करें यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर. जब तक वो रूल्स एंड रेगुलेशंस यूनिवर्सिटीज़ पे अप्लाई नहीं होंगे फोर्सफुली, उस वक्त तक यूनिवर्सिटीज को एक फ्री हैंड भी दिया जाता है कंपैरेटिवली स्कूल और कॉलेजेस के मुकाबले में. नहीं, फ्री हैंड तो उनकी बिल्ट इन है सिस्टम के अंदर, लेकिन जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. अनफॉर्चुनेटली HEC अभी तक अपने आप को इनके ऊपर असर्ट नहीं कर सकी यूनिवर्सिटीज. जैसे मैं बहरिया यूनिवर्सिटी की आपको मिसाल दूंगा, बहरिया यूनिवर्सिटी इज़ फुली कंप्लाइंट टू दी HEC रेगुलेशंस. वी आर फुली कंप्लाइंट टू ऑल दी एक्रेडिटेशन बॉडीज, जितनी भी different programs ki accreditation bodies hain. So I can with lot of satisfaction I can say that hamare sare program, everything is complete. Kal bachchon ko jab wo degree leke jayenge they will not have any issues. But it is not happening in other universities. Other universities programs run kar rahi hain without approval, without accreditation ke approval ke. Bahut badi universities Pakistan, badi universities, so unke bacche jab graduate hoke jayenge, degrees leke jayenge HEC, they will have problems. तो जब तक ये कंप्लायंस नहीं होगी टू दी रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ HEC एंड टू द एक्रेडिटेशन बॉडीज, उस वक्त तक बेहतरी नहीं आएगी. तो HEC का यू थिंक इज अ बिग रोल, की रोल, की रोल HEC का की रोल है. अच्छा. और HEC इज अंडरस्टाफ्ड, HEC लैक्स कमिटमेंट. ये मेरे जो आप उनके पास इश्यूज लेके जाएं, सालों उनके पास पड़े रहते हैं वहाँ पे, और यहाँ पे इतना टाइम नहीं है बिकॉज एजुकेशन सेक्टर में एवरीथिंग इज चेंजिंग ओवरनाइट, चीजें चेंज हो रही हैं. सर आपने HEC हैज टू असर्ट, दे हैव टू कम आउट, दे हैव टू असर्ट. मैं तो ये कहूँगा दे हैव टू कम आउट हार्डर ऑन यूनिवर्सिटीज. अगर उन्होंने, अगर प्रोग्राम कंप्लायंट नहीं है तो उनको बंद करें. यू विल, आई कैन अश्योर यू, इट्स माई कन्विक्शन, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट. जब रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होंगे, मेरिट पे डिसीजंस होंगे, सब ठीक हो जाएगा. सर आपने बात की कि HEC की, जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में होते हैं, ऑब्वियसली आपने जब BUTV का आपने इनॉग्रेशन किया और आपने कहा कि बहरिया यूनिवर्सिटी विल हैव इट्स ओन TV, लाइव ट्रांसमिशन हुआ करेगी 24 आवर्स की, तो ऑब्वियसली आपको एक टीम की ज़रूरत होगी, फैकल्टी की ज़रूरत होगी, कमिटमेंट की ज़रूरत होगी उस टीम की वजह से. क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं, क्या आपको कमिटमेंट चाहिए स्टूडेंट से, टीचर से, फैकल्टी से, कि वो इसको और मज़ीद बेहतरी की तरफ लेकर जाएँ और अच्छी
जो है प्रोग्राम्स यहाँ से इनॉग्रेट करें? देखिए आज तो वी आर जस्ट स्टार्टिंग ऑफ टुडे, टुडे इज द फर्स्ट डे, लेट्स से आज इनॉग्रेशन हुई है, टुडे इज द फर्स्ट डे वी हैव अचीव्ड अ बिग माइलस्टोन अल्हम्दुलिल्लाह. आई थिंक इट्स अ ग्रेट सेटिस्फेक्शन फॉर मी पर्सनली एंड फॉर द मीडिया टीम एंड फॉर द यूनिवर्सिटी, वी आर द फर्स्ट वन टू स्टार्ट दिस थिंग. जैसे मैंने पहले कहा था कि चैलेंजेस अभी शुरू हुए हैं, स्टार्ट अभी हमने करना है, लीड ये हमने मेंटेन करनी है, और ये और ये उस वक्त होगा वंस यू हैव ओनरशिप ऑफ द सिस्टम, वंस यू हैव कमिटमेंट टू द यूनिवर्सिटी, ओनरशिप टू द स्टूडेंट्स एंड कमिटमेंट टू द यूनिवर्सिटी. उससे अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो फिर आप आगे नहीं चल सकेंगे आप. तो उसके लिए हमें अभी से आपने जो इसको चलाने के लिए मीडिया को, प्रोग्राम्स को, इसके जो SOPs हैं वो अच्छे बनाने हैं, इम्प्लीमेंट उनको अच्छे तरीके से करना है, मेरिट पे इम्प्लीमेंट करना है उनको, और इसको आगे लेके चलना है, और लीड हमने मेंटेन करनी. लेकिन हमने यहीं नहीं रहना. जैसे मैं अभी यहाँ आने से पहले आई वाज टॉकिंग टू द फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स, हमने कहा था हमने इसको केबल पे जाना है. मैं चाहूँगा कि हमारे बच्चे यहाँ से बैठ के दूसरे शहरों में इंटरव्यू कर सकें. अगर हमने इसके लिए इक्विपमेंट लेना है तो लेंगे हम लोग, तो वो क्योंकि बाकी यूनिवर्सिटीज यहाँ तक आने की कोशिश करेंगे और हम एक स्टेप आगे जाएंगे. तो हम फंड्स इज नॉट अ इशू, गाइडेंस जो है वो मीडिया डिपार्टमेंट ने देनी है, फैसिलिटेट मैंने करना है. तो वी आर ऑल कमिटेड इंशाल्लाह, आई सी नो प्रॉब्लम. आप सर स्टूडेंट्स में इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो उसको अवेल करना फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको फुलस्ट अवेल करें. देखिए जी, ये जो सारा सिस्टम इन प्लेस हुआ ये है, अभी FM रेडियो इंशाल्लाह अनदर 2 to 3 months FM रेडियो विल बी इन प्लेस. हमें सारी जो फॉर्मेलिटीज हैं गवर्नमेंट की वो हो चुकी हुई हैं. सो दिस इज़ ऑल बेसिकली टू हैव टू गिव हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, हैंड्स ऑन एक्सपोजर टू द स्टूडेंट्स. जब ये सारी चीज़ें, जैसे भी बच्चे हैं, सारी चीज़ें जब यहाँ से वो सीख के इंडस्ट्री में जाएंगे, नॉट ओनली मीडिया इंडस्ट्री, इन एनी मल्टी नेशनल में जाएंगे, एज अ PR जाएंगे, मीडिया की जो फील्ड है इट्स वाइड ओपन, दे कैन गो एनी वेयर. जहाँ पे भी जाएंगे तो इंशाल्लाह दे विल सक्सीड, बहरिया यूनिवर्सिटी की ब्रांडिंग होगी, आई एम कन्विंस्ड. सर वो ऑलरेडी हो चुकी है, बिकॉज WebTV आ गए, तो बाकी जो है वो इतना तो सबको पता चल गया कि बहरिया यूनिवर्सिटी इज द फर्स्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. सर न्यूज़पेपर भी लॉन्च हो रहा है सून, जो कैंपस रेडियो है वो भी लॉन्च हो रहा है. मुझे बताएं कि ये किस तरह से वैल्यू एड करेगा टू दिस इंटायर प्रोजेक्ट दैट वी हैव इन आर यूनिवर्सिटी, और सिर्फ बहरिया यूनिवर्सिटी को ये मिलेगा एज वैल्यू? आई थिंक आपने पहले ऑलरेडी पॉइंटेड आउट कि दिस इज नॉट, आपने ऑलरेडी ऑब्जर्व किया कि दिस इज नॉट फॉर द मीडिया स्टूडेंट्स ओनली. ये जो जितने भी हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं यूनिवर्सिटी में, अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक सब इसको यूज़ कर सकेंगे, अकेले या इन कोलैबोरेशन विद दी मीडिया जो स्टूडेंट्स हैं. और जो जो यूथ है या जो स्टूडेंट्स हैं, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्राम्स आप लेके आते हैं. जैसे मैं अभी बच्चों को, व्हेन आई वाज टॉकिंग टू दी फैकल्टी एंड द स्टूडेंट्स अभी यहाँ आने से पहले, तो उनको मैं ये कह रहा था हर प्रोग्राम में एंड के ऊपर एक प्लीज़ गिव अ पॉजिटिव मैसेज टू द सोसाइटी, गिव अ पॉजिटिव मैसेज टू द स्टूडेंट्स, टू द फैकल्टी, टू द कम्युनिटी, कि एवरीथिंग इज़ नॉट बैड इन पाकिस्तान, यहाँ चीज़ें अच्छी भी हैं तो ये मुल्क चल रहा है. तो एक पॉजिटिव मैसेज जो है ना वो ज़रूरी है देना. ठीक है, एक्सपेक्टेशन सर आपकी क्या है स्टूडेंट्स से, अपने आपकी जो टीम है, और आप कहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट फ्यू ईयर्स बहरिया यूनिवर्सिटी के इस तमाम प्रोजेक्ट? लिमिट इज, मून इज़ द लिमिट. और जैसे मैंने पहले कहा है कि अभी हमने आज शुरू किया है, इंशाल्लाह विल ड्रॉ द लाइंस, और लॉन्ग वे टू गो. लॉन्ग वे टू गो, बट इट ऑल डिपेंड्स हाउ कमिटेड वी आर, हाउ कमिटेड द फैकल्टी इज, हाउ कमिटेड द स्टूडेंट्स आर, हाउ मच ओनरशिप वी टेक स्टूडेंट्स की जो है. तो ये सारी चीज़ें जब आप कंबाइन करेंगे तो देन देयर इज नो लिमिट. ये एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है कि जिसकी कंट्रीब्यूशन की कोई बाउंड्रीज नहीं है. यू कैन गो टू एनी लिमिट टू फैसिलिटेट, टू कंट्रीब्यूट, बिकॉज ये अक्रॉस दी सोसाइटी इससे इसका अफेक्ट हो रहा है इसके ऊपर. तो आई, मेरी लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस हैं यूनिवर्सिटी से कि ये इंशाल्लाह इसमें जो मीडिया है बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा इंशाल्लाह. एंड आपने उसकी एक झलक देख ली है? जी जी बिल्कुल. थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग एंड गिविंग अस योर टाइम. बहुत लिमिटेड हमने सर का सेगमेंट रखा क्योंकि ऑब्वियसली सर बहुत बिजी होते हैं, लेकिन सर इट वॉज प्लेजर हैविंग यू हियर एंड टॉकिंग टू यू.
आपने बहरिया यूनिवर्सिटी के रेक्टर जो है उनके व्यूज जाने और आपको लगा होगा कि हाउ हैप्पी ही इज, और उनकी बातों से आपको लगा कि हाउ कंटेंट कंटेंटेड ही इज, के किस तरह से उन्होंने अपने व्यूज दिए और कितने खुश हैं वो इस बिग डे पे जो कि बहरिया यूनिवर्सिटी के लिए, उसकी फैकल्टी और स्टूडेंट्स के लिए ये दिन है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आपने देखा बहरिया यूनिवर्सिटी के ऊपर लाइव ट्रांसमिशन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हम आपसे किसी और वक्त पे मिलेंगे. इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज़.